देखो, आप बात कर रहे थे रोमेटॉइड अर्थराइटिस की, इसमें ही एक है सोराइसिस। क्या नाम है ना आपका? रेखा, सुरेखा। कब हो गया था सोराइसिस? मुझे 17 साल हो गए। ये सोराइसिस भी ऑटोमेन डिजीज है, इसमें पूरे शरीर की चमड़ी उधड़ती रहती है। और अब क्या हाल है? और बहुत कम है, 7 दिन के घी का मात्र ट्रीटमेंट। 7 दिन में ही हाँ ये, इसमें स्नेहन करवाते हैं, वमन विरेचन करवाते हैं, और शरीर का शुद्धिकरण करके इस ये जो है अपना सोराइसिस, जो ऑटोमेन डिजीज है। और आपने क्या ठीक किया? क्या नाम है? रोमेटोइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी ऑटोमेन डिजीज है। इसमें भी आर ए फैक्टर, सीआरपी, और फिर आगे तो एनए वेन, HLB-27, SLEMS, ये सारे ऑटोमेन डिजीज का पूरा ही कुनबा खानदान है। तो अब क्या हाल है? हाँ बहुत अच्छा है, इस बार 2 बार आ गई मैं। लो, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक हो रहा है। इसको तो, मैया को तो क्या हो गया था? कैंसर हो गया था, समझ, यूट्रस में हो गया था। अब तो पूरे इसने कफन बांध रखा है सिर पर, कैंसर को ही हरा दिया। तो ये कुछ लाइव एग्जाम्पल्स हम इसलिए देते हैं, इसने क्या क्या मिटाया? मैं फिर राइट ही की फाइब्रॉइड, कैंसर, ये बाएं तरफ भी बैठे हुए अल्सर, या जो हमारे भाई कपालभाति कर रहे हैं, करो कपालभाति करो। तो ये जो योग है ना, जिसमें ज्यादा ना हो पाए तो मैं तो कहता हूं खाली कपालभाति कर लो, अनुलोम विलोम कर लो। भस्त्री का कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसी से ही भांति भांति के सब रोग तो मिटेंगे। लेकिन जो स्वामी अधिक ना जी, कर सके, ये ऑटोमेन डिजीज के लिए तो मैं कहना चाहूंगा, वो खाली कपाल भाती अनुलोम विलोम कर ले। जो नहीं कर पाते हैं शीर्षासन, तो इतना तो सबसे हो जाता है ना। जी मेरे भाई, कुछ कह रहे थे लेकिन स्वामी उसमें। जी, ये अजीब विडंबना है और बहुत परेशान करने वाली बात है कि जिसे सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है वही जो है खतरा बन जाए, तो फिर क्या किया जाए? जो रक्षक है वही भक्षक बन जाए तो फिर क्या किया जाए? रक्षक भक्षक बन जाए, खेत और बाड़ को खाने इसीलिए लगे। सबसे पहले जरा ये समझाइए अपने तमाम दर्शकों को, चाहने वालों को, जो भी इस वक्त आपको जहां जहां से दुनिया भर से लोग देख रहे हैं, कि इम्यून सिस्टम में अगर कोई खराबी ना आए और सेंसर हमेशा स्ट्रांग रहे, इम्यून सिस्टम हमेशा मजबूत रहे, सेंसर हमारा प्रॉपर काम करता रहे, इसके लिए क्या योग अगर हमेशा कर रहा है कोई तो कभी उसको ये दिक्कत नहीं होगी? हाँ देखो, एक तो शरीर की सफाई, तन की सफाई के साथ मन की सफाई, जो हमारी पूरी यात्रा है ना योग की, वो शुद्धिकरण से शुरू होती है। हम जल नेति, सूत्र नेति से लेकर के शंख प्रक्षालन, कोलन थेरापी से लेकर के शिरोधारा, अक्षित अर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, अभ्यंग, वातमोक्षण, रक्तमोक्षण, बस्ती, ये सारी जो प्रक्रियाएं अपनाते हैं शरीर का शुद्धिकरण, उपवास, उपासना, फास्टिंग, सात्विक आहार, और ये शीर्षासन से लेकर के ये पूरे आसनों का जो अभ्यास क्रम है, जो शीर्षासन न कर पाए वो सर्वांगासन कर ले, और जो सर्वांगासन भी ना कर पाए वे भस्त्रिका कपालभाति कर ले, अनुलोम विलोम कर ले, जो कर सके वो जरूर करें। ये इसके लिए कुछ मूलभूत बातें हैं, इसको जनरलाइज करके नहीं देखा जा सकता। मूलभूत बातों में से बड़ी बात है, जो कर सके सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, तो बात अच्छी बात है। मैंने कहा नहीं तो शेष भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करें, और जो समर्थ है वो सूर्य नमस्कार भी कर लें। जो कम से कम 10 से 20 मिनट तेज व्यायाम करते हैं, चाहे दौड़ते हैं, चाहे सूर्य नमस्कार करते हैं, योगिक जोगिंग करते हैं, खेलते हैं, अथवा भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम ही अच्छे से कर लेते हैं, कोई भी एक पूरी प्रक्रिया जिसमें ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज हो जाए, 1 मिनट में जब हम तेजी से व्यायाम करते हैं तब 25 से 30 लीटर ब्लड हार्ट से पंप होकर के, किडनी से फिल्टर होकर के पूरी बॉडी तक पहुंच जाता है। तो जिसका 100 से 200 लीटर ब्लड ऐसे एक ही बार में सुबह सुबह
ऐसे हार्ट से पंप होकर के, किडनी से फिल्टर होकर के बॉडी को मिलेगा, उसके शरीर में ये ऑटोमेन डिजीज पैदा नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूँ 10 बार से लेकर के 100 बार तक सूर्य नमस्कार कर ले। अब जो इतना ना कर सके वो कम से कम भुजंग आसन तो कर ही सकते हैं। चलो उल्टे लेट जाओ सर, उल्टे लेट जाओ। अब देखो ये ऐसे भुजंग आसन, तो 10 मिनट तेजी से व्यायाम कर ले, सप्ताह में एक बार उपवास कर ले, सप्ताह में एक बार बस्ती कर ले एनिमा, जिसको मेडिकेटेड एनिमा कहते हैं हम, 10 मूल क्वाथ से कर ले, अथवा ये इम्यूनोग्रिड क्वाथ तो इसके लिए बहुत ही जबरदस्त है। गिलोय एलोवेरा, हल्दी, त्रिफला, इसके भी क्वाथ से किया जा सकता है एनिमा। सप्ताह में एक बार एनिमा कर लें, सप्ताह में एक बार उपवास कर लें, सप्ताह में एक बार नशे कर लें, सप्ताह में एक बार विरेचन ले लें, सप्ताह में एक बार भी जो गोधन अर्क का पान कर लेते हैं, सप्ताह में एक बार भी जो ठीक से प्रार्थना कर लेते हैं, वैसे तो डेली नमाज, नमः माने नमस्कार, अज माने जो अजर अमर है, जो कभी पैदा नहीं होता उसको अज कहते हैं, अजन्मा कहते हैं, जनी प्रादुर्भाव है। तो सप्ताह में एक बार भी कोई प्रार्थना कर लेता है, अब वैसे तो नमाज पढ़ना, प्रार्थना ही करना, लोग गिरजाघर में जाते, मस्जिद में जाते, मंदिर में जाते, देवालयों में जाते हैं, नहीं तो अपने देह को ही देवालय बना लेते हैं। ये सारी चीजें किसके लिए है? ये सारी चीजें हैं अपने शरीर में, अपने इंद्रियों में, अपने मन में, चित्त चेतना आत्मा में विकार संचित होते रहते हैं, और यदि हम ध्यान नहीं देते हैं तो। अच्छा स्वामी जी, यही विकार अपने शरीर की अंतःक्रिया को बाधित करके जो हमारी इम्यूनिटी है उसका डायरेक्शन बदल देते हैं और वो अपने शरीर के खिलाफ ही काम करने लग जाती है, और इसी को ऑटोमेन डिजीज कहते हैं।